पटना के एएन कॉलेज से छात्र संघ की राजनीति से शुरुआत करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री तक का सफर पटना वासियों के आशीर्वाद, स्नेह और समर्थन का प्रतिफल है। इस दौरान पटना नगर निगम के वार्ड पार्षद, डिप्टी मेयर, दो बार विधान पार्षद, चार बार लोकसभा और एक बार राज्यसभा के सदस्य रहे और अब छठी बार पाटलिपुत्र की जनता के आशीर्वाद के लिए जदयू लोजपा समर्थित भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में उपस्थित हुए हैं। इनका शालीन और सहज स्वभाव जनता को हमेशा से भाता रहा है और ये जनता के हर सुख दुख में हमेशा खड़े रहे हैं। सुबह गांधी मैदान से शुरू होने वाली जनता की सेवा देर रात तक चलती रहती है। वर्ष 2014 में बिहार की राजधानी पटना के पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र की हालत इतनी खराब थी कि वहां के लोग त्रस्त हो चुके थे। पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र के 2500 गांवों और टोलों में बिजली नहीं थी। सारे राजकीय नलकूप बंद पड़े थे। सड़कों की हालत जर्जर थी। जमुई के झरना और मसौड़ी के बेरा बांध के निर्माण की मांग आजादी के बाद से की जा रही थी। मसौड़ी रेलवे ओवरब्रिज और बेहटा औरंगाबाद रेल लाइन निर्माण की आस लोग छोड़ चुके थे। हर तरफ निराशा का माहौल था। वर्ष 2019 में आज हालात बदल गए हैं। विकास बोल रहा है। जनता के आशीर्वाद और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के सहयोग से आज सभी घरों में बिजली है। दानापुर दियारा में आजादी के बाद पहली बार लोगों को बिजली मिली। 25 करोड़ का आवंटन बेहटा रेल लाइन के लिए। मसौड़ी ओवरब्रिज का निर्माण शुरू होने वाला है। जमुई झरना बांध का निर्माण हो चुका है। बेरा बांध का निर्माण चालू है। धनरुआ में दरधा नदी के दाएं बाएं तटबंध का सुदृढ़ीकरण और उच्चीकरण, पालीगंज, मसौढ़ी, पुनपुन सहित अन्य इलाकों में पुनपुन नदी से तथा मनेर और दानापुर दियारा में गंगा नदी से कटाव निरोधक कार्य कराया, 100 राजकीय नलकूपों में कार्य चालू है व 58 का कार्य शुरू होने वाला है। किसानों को किसान सम्मान निधि लागत मूल्य का 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य, 21 करोड़ की लागत से 19 ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं की शुरुआत, NH-98 सड़क निर्माण पूर्णता के कगार पर, पटना मुख्य नहर पर भुसौला दानापुर से नौबतपुर विक्रम कनपा होते हुए आगे तक सड़क निर्माण, पुनपुन बांध से नौबतपुर तक बांध पर सड़क निर्माण की स्वीकृति, NH-30 के दानापुर मनेर बेहटा खंड पर 36 करोड़ का वन टाइम अनुरक्षण कार्य शुरू, जिसमें 8 किलोमीटर ढलाई रोड का निर्माण होगा, 10 DG गांव का निर्माण, बेहटा एयरपोर्ट निर्माण की स्वीकृति मिली, पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन की शुरुआत हुई, दानापुर बेहटा तारेगना स्टेशन सहित सभी हाल्टों पर जन सुविधाओं का विस्तार हुआ, बेहटा पर पटना कोटा और भभुआ इंटरसिटी, सदीसोपुर स्टेशन पर पटना सासाराम, तारेगना स्टेशन पर रांची जन शताब्दी और पुनपुन स्टेशन पर पूर्णिया कोट हटिया सुपरफास्ट एक्सप्रेस का ठहराव, सांसद निधि से 30 करोड़ से अधिक की राशि की स्वीकृति, पिछले सांसद और ब्याज की राशि को मिलाकर पात्रता से 5 करोड़ से अधिक राशि का खर्च किया, नमामि गंगे के तहत फुलवारी के बेऊर, दानापुर, मनेर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और पीपा पुल और रामजीचक घाट पर घाट एवं शवदाह स्थल का शिलान्यास, पाटलिपुत्र लोकसभा के पालीगंज, विक्रम, दुल्हिन बाजार, नौबतपुर, बेहटा, पुनपुन, फुलवारी, मसौढ़ी, धनरुआ, मनेर, दानापुर में लगभग 700 करोड़ की लागत से पथ निर्माण विभाग के सड़कों का शिलान्यास और कार्यारंभ, प्रधानमंत्री सड़क योजना, मुख्यमंत्री सड़क योजना, नाबार्ड, MR और ग्राम टोला निश्चय संपर्क योजना से सड़कों का जाल बिछाया गया है। 14वें वित्त आयोग और 5वें राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर सभी पंचायतों और नगर निकायों को UPA सरकार से कई गुणी राशि दी जा रही है। आज हरेक पंचायत को 1-1 करोड़ से अधिक राशि मिल रही है। पटना एम्स में इमरजेंसी की शुरुआत, बिहटा में 300 बेड के अस्पताल की शुरुआत, फुलवारी शरीफ में ESIC अस्पताल का कार्य शुरू, विश्व प्रसिद्ध उलार सूर्य मंदिर के वार्षिक महोत्सव को राजकीय दर्जा, प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन, मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत हर घर नल जल, गली नली योजना, सस्ते दाम पर LED, घर के लिए अलग बिजली, खेत के लिए अलग बिजली, आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीबों को 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा, सभी को बूढ़ा बूढ़ी पेंशन ने पाटलिपुत्र के गांव की तस्वीर और तकदीर बदल दी है। ऐसे ईमानदार और साफ छवि वाले नेता की देश को जरूरत है। आने वाले दिनों में अपने क्षेत्र का विकास रथ अगर तेज गति से आगे अग्रसर होता है
तो उसकी धुरी कोई और नहीं बल्कि श्री राम कृपाल यादव ही होंगे। दूरदर्शी, ईमानदार, पाटलिपुत्रा के लाल, राम कृपाल, राम कृपाल, राम कृपाल।